हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया G42 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई QR कोड है तो वाईफाई QR कोड को आप स्कैन करके कैसे नेटवर्क को किसी दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में आप कैसे इसके ज़रिए बिना पासवर्ड के वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करके इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन में, तो आज वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं। सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर सिंपली आपको यहाँ से जाना होगा वाईफाई पे, वाईफाई पे जाते हैं तो नेटवर्क का जो कनेक्टेड है तो इसका QR कार्ड आप ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से QR कोड को ओपन करके आप किसी भी दूसरे डिवाइस के ज़रिए QR कोड स्कैन करके भी नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं और बिना पासवर्ड ही कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास स्कैनर ऑप्शन आता है तो स्कैनर के ज़रिए आप स्कैन करके QR कोड को अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी दूसरे फ़ोन में आपने QR कोड को ओपन कर रखा है तो उसका नेटवर्क आप अपने फ़ोन में कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप QR कोड स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। ऑप्शन नहीं मिलता है तो हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग पर जाना है, जहाँ से हॉटस्पॉट एंड वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से इस तरीके से हॉटस्पॉट को QR कोड को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करके आप QR कोड स्कैनर का यूज़ करके जैसे QR कोड का यूज़ करके स्कैन करके नेटवर्क को आप किसी दूसरे या अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से नेटवर्क आपका फ़ोन है किसी दूसरे डिवाइस में भी शेयर हो जाता है, जिससे आप नेटवर्क को शेयर करके भी कनेक्ट कर सकते हैं और जिसका नेटवर्क शेयरिंग है हमारे फ़ोन में भी शो कर जाएगा। जब आप अलाउ करोगे देखते हैं कि हमारे फ़ोन में भी शो हो गया। तो इस तरीके से आप QR कोड स्कैनर का यूज़ करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।